जनवरी और जुलाई 2021 के पहले सप्ताह के बीच ओडिशा के 3,970 गांव को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। ये विकास कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर के साथ हुआ है। राज्य में पहली लहर के दौरान बाल विवाह में वृद्धि दर्ज की गई थी। 2020 में राज्य में केवल 62 गांव को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया था। अधिकारियों के मुताबिक गंजम जिले में ऐसे गांव की संख्या सबसे ज्यादा 1,172 थी। नयागढ़ में 753, रायगढ़ में 559, देवगढ़ में 370, मयूरभंज में 227 और नवरंगपुर में 172 गांव बाल विवाह मुक्त घोषित किए गए थे। महामारी से संबंधित आर्थिक मंदी ने 2020 में 119 से 124 मिलियन और लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल दिया। कोरोना वायरस संकट ने असमानताओं को भी बढ़ा दिया है। यह अनुमान लगाया गया है कि अगले दशक में 10 मिलियन से अधिक लड़कियों को बाल विवाह का खतरा होगा। अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि कोविड-19 की पहली लहर और उसके बाद मार्च 2020 में तालाबंदी के बाद बाल विवाह में स्पाइक के जवाब में राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों ने इस उपलब्धि को हासिल करने में मदद की। जिला बाल विवाह सत्यापन टीमों ने राज्य महिला और बाल विकास विभाग के आदेश पर गांव को कवर किया और बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की पुष्टि के बाद अपनी रिपोर्ट पेश की। इस बारे में संबंधित ग्रामीणों के साथ भी बैठकें की गईं। सत्यापन टीमों में जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी और स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य शामिल थे। सभी जिले में कलेक्टर की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया और ऐसे गांव की पहचान करने के लिए अपने मानदंड तैयार किए गए थे। यूनिसेफ 2017 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दुनिया में सबसे ज्यादा 15 लाख से अधिक बाल वधु हैं। कई रिपोर्ट में ये सुझाव दिया गया कि सिर्फ 4 राज्यों जिनमें बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल शामिल है कि ऐसी लगभग आधी शादियों में योगदान है। हालांकि ओडिशा इस मामले में टॉप 4 राज्यों से काफी पीछे है, लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि इसके 30 में से 8 जिलों में बाल विवाह का प्रतिशत लगभग शीर्ष राज्यों से मेल खाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।